लोकसभा चुनाव के लिए प्रदेश का रण तैयार है। 1846 प्रत्याशी नामांकन कर चुके हैं। हालांकि चुनाव आयोग की ओर से नामांकन पत्रों की जांच के बाद का डाटा जारी नहीं किया है। 7 अक्टूबर तक नामांकन करने वाले प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकते हैं। इसके बाद देखा जाएगा कि रण में कितने प्रत्याशी होंगे। वहीं प्रत्याशी जोर शोर से प्रचार में जुटे हुए हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का रण तैयार है। योद्धा मैदान में उतर चुके हैं और जोर आजमाइश जारी है। चुनाव हो और वार पलटवार ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। रण में उतरे योद्धा लोगों के बीच जा रही हैं और वोट की अपील कर रही हैं। बात अगर बीजेपी की हो तो बीजेपी प्रत्याशी जोश में है। पिछले 5 साल की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच पहुँच रही है और जनता को सरकार की उपलब्धियों को बता रही है। मनोहर लाल सरकार की उपलब्धियों को गिनाकर जनता से वोट की अपील कर रही हैं। बात अगर कांग्रेस की जाए तो प्रदेश में कांग्रेस सत्ता वापसी के सपने देख रही है। आपसी घमासान भी कुछ कम नहीं, लेकिन फिर भी प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी शैलजा जीत का दावा कर रही हैं। मैदान में जजपा भी तैयार है। इनेलो से अलग होकर बनी जजपा तैयारियों में जुटी है। इनेलो भी रण में है। विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश के रण में 1846 प्रत्याशी नामांकन कर चुके हैं। हालांकि चुनाव आयोग की ओर से नामांकन पत्रों की जांच के बाद का डाटा जारी नहीं किया गया। 7 अक्टूबर तक नामांकन करने वाले प्रत्याशी नाम वापस ले सकते हैं। इसके बाद देखा जाएगा कि रण में कितने प्रत्याशी होंगे। आपको बता दें कि प्रदेश में 21 अक्टूबर को मतदान होना है और 24 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। ऐसे में गांव-गांव और ढाणी-ढाणी जोर शोर से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। ये तो जनता को तय करना है कि कौन उसका नेता बनेगा। 24 अक्टूबर को आने वाले नतीजे बता देंगे कि जनता किसे अपना नेता चुनती है। हरियाणा डेस्क, टोटल न्यूज।